दोस्तों अब निकल रहे हैं, बड़ी शिकायत है इन्हें पीछे क्योंकि सो रही थी, सोते सोते जगा दिया और यही हाल मम्मी का था। देखिए पीछे हंस रही हैं, ये भी सो रही थी। 20 मिनट में ही नींद आ जाती है। अच्छा लगता है कि तारों के नीचे सो रहे हैं तो नींद आ जाएगी दोस्तों आप लोगों का भी। फाइनली दोस्तों वो टाइम आ गया जब पीली टैक्सी में हम लोग बैठेंगे। ये रही अपनी पीली टैक्सी, चलिए चलते हैं यहाँ से पीली टैक्सी में। कोलकाता की पहचान, इसमें भी बैठे, यहाँ कोलकाता है तभी जो है सफ़र पूरा होगा। इसमें नहीं बैठे तो क्या कोलकाता है, इस पीली एम्बेसडर में तो ज़रूर बैठे। आइए दोस्तों अपनी पीली टैक्सी में बैठ गए हम लोग। कोलकाता है तो पीली टैक्सी में नहीं बैठे तो क्या किया आपने। दोस्तों अब आ गए हम लोग इंडियन म्यूजियम। सोचा लगे हाँ थे, बगल में ही था तो देख ही लें क्यों क्या रखा है क्या नहीं रखा है, थोड़ा आइडिया ले लें। दोस्तों इंडियन म्यूजियम आएगा, ये एग्जिट का रास्ता होगा और ये जा रहा है अपन टिकट लेने। भाषा चेंज हो गई, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा। टिकट के लिए लाइन में लग रहा, बहुत सारा भीड़ टिकट के लिए। बच्चों के लिए 20 रुपये, वयस्क के लिए 50 रुपये, फॉरनर के लिए 500। मोबाइल कैमरा 50 एक्स्ट्रा लेने का, DSLR का 100 रुपया। ये है आपका टोटल, टोटल अपने को 250 का खर्चा आना। मंडे बंद रहता है दोस्तों। ये फोटोग्राफी का ले लिया मोबाइल, उसके 50 अलग लगे हैं और 4 लोगों के लिए 200 रुपये कैश। ये टोटल 250 का पड़ा है यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए अब चलते हैं। पुरानी शिल्प कलाओं के बदले जो पैसे लेके और आराम से सरकार इन्हें दिखाए जा रही है। म्यूजियम में खड़े हैं, मूर्तियाँ हैं टूटी फूटी, अंग्रेजों के मुगलों के जमाने। आप यही देखने के लिए आए? देखने नहीं, मैं सोचा कि कुछ छूटे ना मिस ना हो जाए इसलिए आया हूँ। क्या करेंगे, ऐसे टूटे फूटे सब लेके आए हैं। ग्वालियर में भी देखा था हमने टूटा फूटा। यही है इंडियन म्यूजियम के हालात दोस्तों, आप आना चाहें तो आए, वरना कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। म्यूजियम में कुछ रखा भी नहीं है, ये कौन से भगवान है अष्टभुजा दुर्गा माता अष्टभुजा। ओ दोस्तों जैसे ही बाहर निकला, ये तो बहुत बड़ा है, इसमें ऊपर भी फ्लोर है, ऊपर भी लोग घूम रहे हैं सीढ़ियों पे। और ये अभी कार्यक्रम भी जा रही है, पेंट भी हो रहा है। इतना लंबा चौड़ा कैसे देख पाएगा, मतलब बहुत है, बहुत सारी मूर्तियां हैं इसके अंदर। मतलब तो अगर आपको आना हो देखना तो आइए, वरना जो है नॉट रिकमेंडेड क्योंकि खाली पुरानी मूर्तियां। खैर मैंने तो बहुत सारी देख रखी हैं, हो गया था मैं ग्वालियर वहाँ भी देखी, और कितने सारे म्यूजियम देख रखे हैं, तो अब शायद मन भर रहा है म्यूजियमों से, तो अब तो म्यूजियम नहीं आऊँगा मैं। लेकिन आप लोग अगर आना चाहें यहाँ हैं तो 50 रुपये की टिकट है, 50 जिस मोबाइल से शूट हो रहा है उसका दीजिए, 100 रुपये में एक जना आ जाएगा और आराम से इसको देख पाएगा। अब इसमें देखने क्या है ये आप लोग डिसाइड करिए। ये कितना बड़ा है दोस्तों आलिशान।
घास पे बैठ जाते हैं दोस्तों बीच में, फिर थोड़ा और देखा जाएगा, फिर यहाँ से निकला जाएगा। इंडियन म्यूजियम के अंदर बैठ के पार्क के अंदर जो है दिल्ली से जो छबेना लेके आए थे पर्स में लाए हैं, अब उसी को खाएंगे, भूख भी लग रही है। नहीं मिर्च भी लाए हैं, हरी मिर्च, अजवाइन भी है। इनका पिकनिक स्पॉट यहाँ चालू है, सारे लोग यहाँ पार्क में बैठे अपना अपना लंच निकाल के खा रहे हैं, थक गए होंगे बेचारे घूमते घूमते। सारी चीज़ें अंदर मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को, आप खुद ही आइएगा, अगर आपको पसंद आया तो देखिएगा। मेरी बैटरी भी मोबाइल की लो हो गई थी तो मैं दिखाया नहीं, मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ। यही है इंडियन म्यूज़ियम, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पत्थर जो है स्टोन टूटे फूटे देखने को मिल जाएंगे जो मुग़ल काल के होंगे या उससे बाद के भी, और उधर जूलॉजिकल गैलरी भी है, ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी गैलरी बनी हुई है, ठीक है। तो आपको आना है और आप खुद जो है देख सकते हैं, तो मैं तो निकल रहा हूँ। ये देखिए मम्मी थक गई, यहीं सो गई, तो इस वजह से पूरी फैमिली को साथ लेके चलो, तो यही दिक्कतें होती हैं। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और इंडियन म्यूज़िक से निकल रहा हूँ, और आप लोग जो है आइएगा और ख़ुद देखिएगा, बाकी मेरी तरह से रिकमेंडेशन ना ही है। दोस्तों सारे लोगों को बड़ी मुश्किल से उठा पाया हूँ, ये देखिए हिला पाया हूँ, अब जा रहा हूँ लेके ने बाहर, वरना तो ये लोग जो है यहीं पड़े रहते। हाँ, लोगों को हिला दे रहा हूँ, खुद तो उठ नहीं रहा हूँ। हाँ अब जल्दी चलिए यहाँ से बाहर सारे लोग। हाँ अभी इतना डांस कर लेते तो निकल नहीं जाते कि नाटक। दोस्तों वॉशरूम भी है, तेरा जेंट्स वॉशरूम भी है दोस्तों, और इधर आपका कैफेटेरिया भी बना हुआ जिस पे आके पानी खाना जो भी। दोस्तों इंडियन म्यूजियम से निकल गए, वो फोटोग्राफी वाली टिकट बेकार थी, उसको नहीं भी लेते तो भी जो है फोटोग्राफी कर सकते थे, और लोग जो है बिना लिए भी गए और खूब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे थे। चल रहे हैं दोस्तों केसी दास, वहाँ पर रसगुल्ले खाएंगे, कुछ मिठाई लेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे होटल के लिए। लोग थक गए हैं तो बेलूर और दक्षिणेश्वर जो है आज नहीं जाना चाह रहे हैं। ढेर सारे ग्राहक हो जाए तो कैसे हैंडल करते हो? तब तो आप इन्हें पेट हो जाते होंगे, डांट देते होंगे, सबको डांटते हो, पेट से भाग जाता होगा, किसी भाग जाएगा तो हमारे पास फिर दोबारा आता है। अच्छा क्योंकि आइटम ही ऐसा मेरे पास ना जरूरत वाला, उसको आना ही पड़ेगा, कहीं और नहीं जा पाएगा वो, कहीं नहीं जा पाएगा, घूम के फिर आएगा लेने। एक साथ एक ही कस्टमर हैंडल कर पाते हैं, दो चार लोग बोले तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों साथ के साथ मार्केटिंग भी हो रही है, जीन्स टी शर्ट सब लटकी हुई है, पर्स ये वो जो मर्जी आइए खरीदिए, लेकिन इससे बड़ा जो है एक प्लांडे का मार्केट है धर्मताला वाला, वहाँ जाके ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। फाइनली दोस्तों एक चप्पल की दुकान पर आ गए हैं, मेरी मम्मी यही चप्पल से पूरे कोलकाता में काम चला रही है, अब फाइनल एक चप्पल की दुकान मिली हमें रास्ते में, तो हमने सोचा अब कोलकाता में चप्पल खरीदी लें, तो वही जो है चप्पल और सैंडल लेके आए। दोस्तों फाइनली मम्मी को एक चप्पल मिल गई, खुश है मम्मी। तो दोस्तों फाइनली चप्पल मिल गई, चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। दोस्तों मार्केट ही मार्केट है इधर, तो पैदल निकलते हैं इंडियन म्यूजियम से, आपको खूब सारी